हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं MGS चैनल, यानी कि मल्टी ज्ञान स्टेशन चैनल। दोस्तों, मैं आज लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट अफेयर्स का है। महत्वपूर्ण दिवस, मतलब सारे महत्वपूर्ण दिवस आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और हर महीने का मैं अलग अलग यहाँ पर वीडियो लाया हूँ, मतलब अलग अलग जो है दिवस वो सब हर महीने का आपको मिल जाएगा। तो मैं आज एक एक करके आपको पढ़ा लूँ। तो जनवरी से हम लोग शुरू करते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनवरी से शुरू करते हैं। जो पहला है, देखिए, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। और फिर नीचे आ जाइए, 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस है। 12 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व हास्य दिवस। और फिर नीचे देखिए, 12 जनवरी वही वाला रिवाइज हो गया, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और फिर 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 25 जनवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये काफ़ी बार पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 30 जनवरी को देखिए, राष्ट्रीय दिवस कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। ये था जनवरी का। अब आ जाते हैं हम लोग फरवरी में। तो फरवरी में जो पहला दिवस है वो है 4 फरवरी को, जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और फिर ये वाला तो फेमस है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता है। और 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है। और मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस, वो मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। अब मार्च में आ जाते हैं। 4 मार्च को देखिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद आ जाइए 12 मार्च को देखिए राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस। फिर उसके नीचे 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि जो 22 तारीख को मनाया जाता है, 22 मार्च को, वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब आ जाइए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और फिर 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। तो ये मार्च का हो गया। अब हम अप्रैल पे आते हैं। अप्रैल में जो पहला दिवस है वो है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 14 अप्रैल को देखिए क्या मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और विश्व हीमोफीलिया दिवस, वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और उसके नीचे जो है इम्पॉर्टेंट है, वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए 26 तारीख को क्या मनाया जाता है? जो 26 अप्रैल है उस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। मई में आ जाते हैं। देखिए मई में जो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस, इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं और मई दिवस के भी नाम से जानते हैं।
तो और तीसरा दिन तीन तारीख को क्या मनाया जाता है, मतलब 3 मई को क्या मनाया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस वो 3 मई को मनाया जाता है। 7 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। तो 7 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस। अब 8 तारीख को आ जाते हैं, 8 मई को क्या मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। और 12 मई को क्या मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है सॉरी 12 मई को मनाया जाता है मातृत्व दिवस। मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को। 13 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 13 मई को। 21 मई को क्या मनाया जाता है, आतंकवादी विरोधी दिवस। आतंकवादी जो विरोधी दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। और 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब जून में हम आ जाते हैं, पहला वाला जो है वो सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है जून को। यहीं पे दोस्तों पूछता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप 26 नवंबर लगाएंगे, अभी आगे मिलेगा वो, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। कन्फ्यूजन में आगे हम बता देंगे। जो 5 जून है वो विश्व पर्यावरण दिवस, ये सबको पता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वो कब मनाया जाता है, 12 जून को। और 13 ही जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। मतलब 12 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस दिया है और उसके नीचे ही 13 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब देखिए 14 जून को, 14 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को। 16 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 जून को। और 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिवस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 23 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 29 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। अब जुलाई में आते हैं, 1 जुलाई को मनाया जाता है क्या, डॉक्टर दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 19 जुलाई की बात करें तो ये 19 जुलाई में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है, 19 जुलाई को। और फिर 22 जुलाई की बात करें तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को। और यहाँ पे देखिए कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस ये है 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब अगस्त में आते हैं दोस्तों, तो 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, यहाँ पे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता था। अभी हमने शुरू में पढ़ा है कि 12 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे था, वो 12 जनवरी था, ठीक है, वो 12 जनवरी था, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और जो 14 अगस्त है, देखिए 14 अगस्त को मनाया जाता है संस्कृत दिवस। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को। और फिर 15 अगस्त सबको पता है स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। अब आते हैं सितंबर में, 5 सितंबर को सबको पता है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 8 सितंबर को। और उसके नीचे देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि 14 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पे जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस जो कब मनाया जाता है, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबको पता ही होगा। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, अब आगे आते हैं। 30 सितंबर को देखिए, 30 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर जो कि विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अब अक्टूबर में हम लोग आते हैं कि अक्टूबर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती रहती है, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व पशु दिवस जो है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर की बात करें तो विश्व दृष्टि दिवस या विश्व अंडा दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस, विश्व गठिया दिवस जो है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके नीचे 16 अक्टूबर को देखिए मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और उसी दिन यानी कि 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। अब आते हैं नवंबर में। नवंबर में जो है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है, और जो कैंसर दिवस वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविध साक्षरता दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। उसी दिन 14 तारीख को ही विश्व मधुमेह दिवस यानी कि 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। और फिर उसी दिन मतलब 18 तारीख को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है, फिर उसी दिन 18 ही तारीख को 18 नवंबर को ही विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है, विश्व वयस्क दिवस। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। अब दिसंबर में आ जाते हैं, दिसंबर की बात करें तो 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और फिर 10 दिसंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को देखिए विजय दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को विजय दिवस। और किसान दिवस जो है मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को। ठीक है,
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस। तो ये थे दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट दिवस जो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है मल्टी ज्ञान स्टेशन, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।